धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया कि बच्चों के पुरुष के साथ मैं उनका भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार लोगों के या केंद्र सरकार पेपर लीक होना ही वो तय है, और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है चाहे बिहार हो गुजरात हो या हरियाणा हो तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही रहे बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिली है, कैसे देखते हैं? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है, कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना स्वागत हम लोग करते हैं। सर आपके सहायक पर भी अरे आप देखिए राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें मेरे सहायक को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो बुला करके पूछताछ कर लें कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं ईओयू तो आज तक कहा नहीं इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे इंजीनियर की बात करें 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग इनको क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है कल मनोज झा जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है, अरे भाई अगर कोई दोषी उसको बुला के पूछते हैं क्या दिक्कत, बुलाए गिरफ्तार करें हमको क्या दिक्कत है, हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बात पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है देख लीजिए कि जो भी मामला है इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना। अरे जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियाँ निकली थी बीपीएससी वाले तीसरी वाले ना जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं जो पेपर लीक कराए थे वो तो बार बार घूम करके बिना जेल गए बेल करा ली। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है।